हेलो गाइस, हर महादेव, जय शिव शंभु, जय श्री महाकाल गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग गाइस। इट्स 53 डे ऑफ द ब्लॉग गाइस, और हमें आया बिकेश भैया का कॉल। बिकेश भैया ने बोला आओ मिलते हैं, मैंने भी बोला भाई संडे है, चलो भैया से चार दिन से भैया से बात हो रही है, मिल नहीं पा रहे थे, थोड़ा तबीयत खराब था, कुछ फंक्शंस भी थे, कुछ काम भी थे, चलो फिर चलते हैं बिकेश भैया के पास, मिलते हैं बिकेश भैया से। आ गए भाई बिकेश भैया के साथ, ये रहे बिकेश भैया, ओए इनके साथ अभी हम जा रहे हैं एक जगह गाइस, पता नहीं कोई लोग हैं, मतलब गवर्नमेंट जॉब के ही हैं, बट कोई प्रॉब्लम में है, देखते हैं क्या है, आपको बताएंगे अच्छे से इलैबोरेट करके, पहले खुद जाने कि वो है क्या मैटर। चलो तो बाकी दिखाते हैं गाइस। उसके बाद वो अपना कार्यालय के लिए ऑटो पे बैठ रहे थे, वो चले गए। उसके बाद सर जैसे हम लोग नियमित अपना रहते हैं कि वो ड्यूटी गए हैं, शाम को आएंगे, लेकिन शाम को वो घर लौट के नहीं आए, और ना मुझे उनके विभाग की तरफ से, ऑफिस की तरफ से कोई सूचना मिली कि वो ऑफिस पहुँचे कि नहीं पहुँचे। सर दुश्मनी की तो जहाँ तक बात है, जहाँ तक मैं उन्हें जान रही हूँ जितने साल से, वो एक जॉली मूड आदमी थे, हंसते बोलते रहते थे, और काम का स्ट्रेस तो रहता ही था, वो हर लोगों के साथ होता है, विभाग में चाहे। निकल चुके हैं गाइस हम लोग, और क्या ही बोले यार, मतलब अगर बस यही है कि फैमिली का जो बड़ा गार्जियन है उसे प्रशासन ढूंढ के दे दे, और क्या ही चाहिए। अब वो गलत हो या सही हो ये तो मैं कटाक्ष नहीं कर सकता, बट अगर कुछ भी हो तो पुलिस वाले मदद करें उनका और ढूंढ दें प्लीज। चलो तो फिर हर हर महादेव गाइस, जय शंभु। अभी जा रहे हैं घर, कुछ काम है, उसके बाद फिर वापस आएंगे मरीन पे। ओके, घर आ गए गाइस। वहां से फिर मन खराब हो गया है, उनसे घर पे रह के बच्चों लोगों को देखा रोते हुए, सुना कि उनके स्कूल वाले मना कर रहे हैं कि फीस अगर जमा नहीं हुआ तो स्कूल से निकाल देंगे। छोटे बच्चे का तो मैं बोल के आया हूँ कि फीस मैं जमा करा दूंगा, बाकी जल्दी जो भी है मिल जाए, कोई नहीं गाइस। मगर प्रशासन को यार थोड़ा सा ना सीरियस होना चाहिए इन सब चीज़ों को लेके। ढूंढते यार, इस वीडियो के माध्यम से अगर कोई भी पुलिस प्रशासन अगर देख रहे होंगे तो मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि इन लोगों का जो मदद हो सके प्लीज़ कर दें। और अगर ये सब चीज़ अगर ये लोग फेक में कर रहे होंगे तो गलत होगा, ऊपर वाले से तो छुपा नहीं पाएंगे, मगर अगर ये परिवार असल तकलीफ में, तो मैं अंदाज़ा लगाता हूँ कि ये लोग बहुत ही कठिनाई से गुजर रहे होंगे, क्योंकि दो बच्चे एक बीवी, जो कमाने वाला है घर में नहीं है 1.5 महीने से, ये ऐसा लगाया जा रहा है। बाकी महादेव के ऊपर कैसे होंगे वो, नहीं होंगे, क्या होगा नहीं होगा नहीं पता। चलो महादेव सबको भला रखे गाइस, और मिलना होगा तो मिल ही जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के साथ। चलो हर हर महादेव गाइस, जय श्री शंभू।